हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नई यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, चंडीगढ़ के अलग अलग लोकेशंस में जा करके इंटरव्यूज़ वगैरह ट्राई करेंगे। सो आज मैं जा रहा हूँ ईक्लर्क्स कंपनी, ठीक है। सो वहाँ पे जाके हम ट्राई करेंगे लाइक ज्वाइन होने के लिए। मैंने सिंपली क्या किया था, अपना एप्लीकेशन पे अप्लाई किया था टाइप होम्स और इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए। सो वहाँ पे क्या हुआ, मुझे कॉल आया किसी कंसल्टेंसी से, तो उन्होंने बोला है कि मैं जाके ई क्लर्क्स में अपना इंटरव्यू दूँ। सो हम वहाँ पे जा रहे हैं और एक मेरा दोस्त भी मेरे साथ में होगा, तो आगे का हम वहाँ पे आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है। आज देखेंगे कि हम सेलेक्ट होते हैं या नहीं, ठीक है। तो आ चुका है, अब हम चले हैं इंटरव्यू देने। तो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं क्या अपना ई क्लर्क्स वाली बिल्डिंग साइड में, आईटी पार्क में। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। और ये बंदा है जो हमें लेके आया है, ठीक है, ये हमारे साथ देगा इंटरव्यू। तो हम अभी जा रहे हैं गेट नंबर 2 पे, हमें बोला है जाने के लिए कि वहाँ से आपकी एंट्री होगी। तो हम गेट नंबर 2 की तरफ उधर 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 से जाएंगे। कैसी हो चुकी है अभी, ठीक है। तो इंटरव्यू देने जा तो है, लग नहीं रहा कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि बिल्कुल फंकी शंकी बन के आए हैं। और देखते गाइस को इन्फोसिस दिखा दे। हाँ, और ये इन्फोसिस इसके बिल्कुल सामने है जो बिल्डिंग, हाँ। और इस पे जाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं, लड़की ऐसा नहीं है। हाँ, लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है। उनको क्या चाहिए फिर, उनकी सीधी एंट्री होती है। हाँ, उनकी सीधी एंट्री वहाँ पे सीधी मैनेजर से बात होती है। सीधी मैनेजर से बात होती है। और हम शाम शाम में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है गाइस यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही धूप है यार। तो चलो अंदर जाके देखते हैं क्या बनता है गाइस। सो वी आर इन together in this company and we are searching for e-clerks. So now you can check this fountain here. So हमें बोल दिया गार्ड ने कि जाओ आगे। फाउंटेन ये कुछ बोल रहे हैं, हाँ जी बोलिए। ब्यूटीफुल फाउंटेन, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट फाउंटेन इन आवर नॉर्दर्न एरिया। ओके गाइस, प्लीज विजिट एंड यू विल एंजॉय इट, एंड आई कैन अश्योर यू यू विल नॉट फील रिग्रेट अबाउट इट व्हेन यू कम हियर। या लेट्स गो एंड कम कम। यस, now we have to तो गाइस जैसे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी क्या है, बेसिकली हमें हमें एक्चुअल में हमने कूपन दिए 120 रुपये के, ठीक है। और हमने अभी क्या ऑर्डर किया, शेक ऑर्डर किया, एक बनाना शेक। और विद द हेल्प ऑफ दिस कूपन विच इज़ प्रोवाइड बाय द ईक्लर्क्स कंपनी एंड आवर रिक्रूटर मिस शिवानी ठाकुर मैम, सो गिव अस एंड शी टोल्ड मी दैट वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। पर अभी हमें थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा और इसके बाद हमारा नेक्स्ट राउंड होगा। अभी हम वेट कर रहे हैं बनाना शेक की और इसके बाद हम देंगे इंटरव्यू। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, देख सकते हो यार कैंटीन बड़ी अच्छी वाली है। सो अभी हम इंटरव्यू देंगे, पहले तो हम बनाना शेक पियेंगे, उसके बाद थोड़ा सेट वेट होके थोड़ा उसके बाद थोड़ी एनर्जी आ जाए ना, थोड़ी एनर्जी लेके फिर देंगे इंटरव्यू, बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं। अभी बार ये सही कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए इन्होंने जो हमें चेक करने होंगे। और क्वेश्चन के कुछ यहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं, टाइम हमारा चेक कर लिया था ड्राइंग होगा, जो कि मे बी क्लाइंट या फिर मैनेजर से हो सकता है। तो फर्स्ट हम कम्प्लीट कर चुके हैं, अभी बार ये नेक्स्ट है, ठीक है। तो वो भी हम सिलेक्ट हो गए और बेरोजगार से हमको रोजगार मिल जाए अभी, ठीक है। सो ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं। अभी हमारा क्या है, असेसमेंट राउंड हो चुका है, हमारा फाइनल राउंड रह गया है, वो हमारा एचआर के साथ मैनेजर के साथ इसमें बहुत ही बड़ा लाइक मुश्किल भरा टेस्ट था हमारा असेसमेंट टेस्ट, जिसमें टोटली ग्रामर ही मिस्टेक नहीं करनी थी। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे जो हमें करने थे, जिसमें बिल्कुल भी चेहरा इधर उधर नहीं कर सकते थे, करते हुए साथ ही साथ डिफिकल्ट सीरियसली यार। तो उसके बाद में अभी हमें ऑफ राउंड हो चुका है हमारा, जो एचआर ने हमें यहाँ पे कूपन दिए थे उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे ये कुछ लंच ऑर्डर किया है और वो हम यहाँ पे खाने वाले हैं। सो हम वेट कर रहे हैं, ये देखिए हमारा बंदा जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा है लंच के टाइम पे। और ये हमारी कैंटीन है, यहाँ से हमने खाना लिया है, जबकि यहाँ पे हमें रोटी नहीं मिली तो हमें ये पोहा और ये चना समोसा लेना पड़ा। सो अभी हम खाने वाले हैं एंड खाने के बाद आपसे मिलते हैं। सो तब तक के लिए
30 PM ऑनलाइन कहीं की, जैसे कि ये LCD पे लगा रखा है कुछ इवेंट वगैरह का सिस्टम जो वेट कर रहे हैं पीपल उनके लिए, दैट्स व्हाई। तो गाइस जैसे कि हमारा पूरा दिन खराब गया, ठीक है, हमने पूरे राउंड क्लियर किया। क्लाइंट राउंड में क्या हुआ, कम्युनिकेशन की वजह से कुछ ऐसा बोल दिया मैंने जो नहीं बोलना चाहिए था। 8 बज गए मेरे क्या थे, ऊपर ही आ गए, रुक जाए और हम अभी जा रहे हैं। सो बेसिकली 000 दबा गाइज, अब हम गुम हो गए हैं, हम भूल चुके हैं कि स्टेयर्स कहाँ पे और नीचे कैसे उतरना है, क्योंकि सदमा लग गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हूँ, सो वी नीड टू फाइंड आउट सम, नहीं यार लेफ्ट से जाते हैं भाई, लेफ्ट ही है। तो यार भाई अभी कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ और भाई को बोल दिया कि सुबह आना है। अब यार सो डिसअपॉइंटेड हूं सर, कुछ भी हो सर मज़ा आया, ठीक है ना, अच्छा लगा। 120 रुपये के हमने 120 रुपये का फ्री में खाना खाया और चिल किया, मजा आ गया। बस वही एक मेमोरेबल चीज़ है यहाँ की, है ना। अभी देखो यार हम यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे हमारी लिफ्ट आ चुकी है।